नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत हुई। सोमवार यानी कि 22 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा बिहार का बजट पेश किया जाएगा। सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी। राज्य में कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए जनहित से जुड़े विभागों की राशि बढ़ाए जाने के आसार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर ज्यादा जोर रहने की उम्मीद है। राज्य सरकार के सामने राज्य के अस्पतालों में संसाधनों की आपूर्ति, आधारभूत संरचनाओं का विकास, खाली पदों को भरना, नई शिक्षा नीति को लागू करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना जैसे तमाम चुनौतियां हैं। इन सबके अलावा 7 निश्चय 2 समेत विभिन्न योजनाओं को रफ्तार देने के लिए सरकार को अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही राज्य में पर्यटन केंद्रों का विकास भी करना है। राजगीर और गया जैसे जगहों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार भी करना है। राजगीर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ खेल और कला विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी बजट की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के लगभग 100 शहरों को नई सड़क की सौगात मिलने वाली है। राज्य में 400 किलोमीटर नई सड़क बनाने की तैयारी है। कम से कम 10 किलोमीटर नई सड़क बनाने की योजना ग्रामीण कार्य विभाग ने तैयार कर ली है। पहले चरण में अनुमंडल, ब्लॉक और थानों के लिए नई सड़क बननी है। सभी जिलों से प्रस्ताव भी मांग लिया गया है। बताया जा रहा है कि शीघ्र ही भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव भी भेजने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष से बिहार में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होना है। इसके लिए रोडमैप बना लिया गया है, जिसमें प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की तैयारी है। इसके लिए भी बजट में बढ़ोतरी जरूरी है। बताया जा रहा है कि इन तमाम कार्यक्रमों को लागू करने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। वहीं विभाग पर खर्च का भार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के चलते भी बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि इंटर पास बच्चियों की प्रोत्साहन राशि को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, जबकि स्नातक पास लड़कियों को अब 25,000 के बदले 50,000 मिलेंगे। यह व्यवस्था इसी सत्र से होनी है। राज्य में 111 नए नगर निकायों के गठन के बाद अब शहरों की संख्या दोगुनी हो गई है। ऐसे में इस बार नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट में वृद्धि तय है। पिछली बार नगर विकास एवं आवास विभाग का बजट 5,158 करोड़ रुपए था, जो कुल बजट का 2.57% था। पुनर्गठन के बाद अब नगर निगम की संख्या बढ़कर 12 से 17 हो गई है, जबकि नगर परिषद 49 से बढ़कर 95 और नगर पंचायत 82 से बढ़कर 185 हो गए हैं। इनमें आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है। साथ ही अब नए निकायों में ग्रामीण के बदले शहरी योजनाएं शामिल होंगी। ऐसे में योजना आकार बढ़ना भी तय माना जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा असर अगर किसी विभाग पर पड़ा है तो वह स्वास्थ्य विभाग है। इसलिए इसके बजट में अच्छी वृद्धि के आसार हैं। 2 साल पहले स्वास्थ्य विभाग का बजट 5,149.49 करोड़ का था, जो कुल बजट का 5.15% था। इसे 2020-21 में बढ़ाकर 5,610 करोड़ का किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार भी स्वास्थ्य बजट में तकरीबन 10% वृद्धि का प्रस्ताव है। इस हिसाब से स्वास्थ्य का बजट 6,000 करोड़ तक हो सकता है। सरकार को कोरोना समेत कई तरह की चुनौतियों को देखते हुए ग्रामीण अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं देनी है। स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों, जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों को भी महामारी से लड़ने में सक्षम बनाना है। डॉक्टरों, नर्सों के साथ ही पारा मेडिकल के पद भी भरे जाने हैं। 7 निश्चय 2 के तहत बाल हृदय योजना, टेली मेडिसिन सेवा की भी शुरुआत नए वित्तीय वर्ष में की जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।